हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट में। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कुछ ही दिनों बाद रंगों का त्यौहार यानी होली हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जो कि हिंदुओं का महापर्व होता है, जिसमें लोग रंग बिरंगे कलर्स को एक दूसरे के फेस पे लगाते हैं और पिचकारी यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में हैंडमेड पिचकारी बनाना सिखाऊंगी, जो स्कूल में टेक अवे के तौर पे या फिर बच्चों को स्कूल में क्राफ्ट के तौर पे आप बना के दे सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम पिचकारी बनाने चलते हैं। बनाने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। ये जो भी मटेरियल आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सब की डिटेल मैं आपको वीडियो बनाते समय देती चली जाऊंगी, जैसे जैसे मैं इसे यूज़ करूँगी। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक रेक्टेंगल पेपर लिया है येलो कलर का और ये टॉयलेट रोल लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फॉइल पेपर के अंदर का रोल भी आप ले सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से पहले पेस्ट कर देंगे। मैं ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ और फेविकॉल का यूज़ भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे एजेस को थोड़ा थोड़ा काट दिया है। इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसको मैंने पेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको इस एरिया को हम कवर करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ से भी कट कर लेंगे। ये एक और शीट मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से अंदर फोल्ड कर दिया है। अब हम रफली बस आइडिया लेने के लिए यहाँ पर इसको आउटलाइन कर लेंगे। ऐसे हमको दो चाहिए तो सेम मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ से फोल्ड करके इसको कट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों सर्कल को कट कर लिए हैं। अब इसकी एजेस पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत हल्का हल्का ग्लू मैं लगा रही हूँ। इस एरिया को कवर कर लिया हमने, अब इस एरिया को भी हम कवर कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से कवर कर दिया। यहाँ मैंने एक अल्टरनेट कलर लिया है जो येलो के साथ बहुत ही अच्छा कंबाइन कलर है। यहाँ मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया है, ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके मैंने 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया है। इसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने सर्कल कट कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, पिचकारी के आगे की जो पॉइंट होती है वो कोन वाली होती है। ये पार्ट कट करके इसको कुछ इस तरीके से हम पेस्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ कोन रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके कोने पर, एजिस पे, मतलब ये सारा काम आप फेविकॉल से भी कर सकते हो अगर बच्चे कर रहे हैं तो। मैं जल्दी से पेस्ट हो जाए सिर्फ इसलिए ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए कुछ पिचकारी का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ये वायर है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। इसको हम 3 फोल्ड करेंगे, फर्स्ट फोल्ड एंड सेकंड फोल्ड। ज़रूरत नहीं है हमें 3rd फोल्ड करने की, इसको हम ऐसे ट्विस्ट करते चल जाएंगे ताकि थोड़ा सा मजबूत बन जाए। और सेम प्रोसीजर हम इसके साथ भी यही करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों रेडी हैं। अब हम इसको टी शेप में लेके जाएंगे और ये इसको ऊपर से ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके यहाँ भी एक ग्लू गन की ड्रॉप हम लगा के इसको पेस्ट कर देंगे।
तो ये आप देख सकते हैं हमारे स्टिक हो चुकी है, ये प्रॉपर टी लेटर लग रहा है। अब हम इसको इस तरफ पेस्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारी पूरी पिचकारी रेडी है। हमारी पिचकारी रेडी हो चुकी है। यहाँ इसको डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे पोल्का डॉट्स बना रही हूँ ताकि और सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। आप यहाँ कलरफुल भी डॉट्स डाल सकते हैं। तो ये हमारी पिचकारी रेडी हो चुकी है। इसे आप खुद भी बना सकते हैं अलग अलग कलर्स को यूज़ करके। इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।